दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं आगरा ताजमहल घूमने के लिए। तो अभी चल रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। तो अभी एंट्री कर चुके हैं मेन गेट से। तो अभी जब पास में पहुंच जाएंगे तब हम लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर जो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा ही अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सामान वामान रखा जाता है, सामान घर है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। ये तो अभी भाई अब एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर भाई लाइन में लगना पड़ता है, एक टोकन मिलता है ये, इसको उसमें टच करना पड़ेगा, उसके बाद में एंट्री होगी। कहीं भी अकेले भी खड़ा हो तब भी ध्यान रखिएगा अपना। अभी क्या ये फोर फुट कंपाउंड है ताजमहल का, इसके अंदर आने का तीन गेट, ये वेस्टर्न गेट है, इधर से निकलेंगे आप ही कार इधर, ये ईस्ट गेट है, उधर से भी एंट्री है, ये वाला साउथ गेट, सब गेट से अंदर आएंगे, ये मेन गेट है ताजमहल का। इसके ऊपर जो घुमत देख रहे हैं लाइन चलेगा वाइट, थोड़ा काउंट करें सर कितना है, 11 उस तरफ है जैसा बाहर से वैसे अंदर से है, दोनों मिला के 22 और 22 पूरा सब कुछ बनने के लिए इसका एंट्री। ये फूल पत्ती देख रहे हैं हम लोग, पेंटिंग नहीं है साहब, और राशि का स्टोन पहनते हैं पूरी में चमकता है पूर्णिमा में, ये वो अंगार की तरह शाइन करता है साहब। ये छोटे छोटे से कमरे देख रहे हैं हम लोग गाँव से अंदर से, क्योंकि उस ज़माने में धर्मशाला होटल नहीं होती थी, रात में यहाँ का दूसरे गाँव से आना जाना गया, टिकट नहीं होता था जो है। ताजमहल का मेन गेट है, अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं ये जो है मेन गेट है ताजमहल का, यहाँ से एंट्री होगी उन लोगों की। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों अब ताजमहल के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं ताजमहल दिख रहा है। तो अभी भाई ताजमहल के अंदर एंट्री हो चुकी है, ये देखिए आप लोग सामने देख सकते हैं ताजमहल। भाई देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा ताजमहल देखने में। क्या इकड़े भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में ताजमहल, देख सकते हैं गार्डन कितना सुंदर है भाई।
इसमें तो उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना साफ सुथरा गार्डन है। अरे सर लेना क्या। तो दोस्तों अगर जो आज का मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। कौन मैं दे रहा हूँ ना पूरे फोटो और क्या। सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। तो अभी भाई अब जो है ताजमहल के बिल्कुल पास में चल रहे हैं हम लोग। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ लगे हुए हैं इसके अंदर, बाग लगा हुआ है इसी के अंदर, महल के अंदर। तो भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था महल। अभी ऊपर चलेंगे तो ऊपर से जो है ना भाई साइड से यमुना जी दिखेंगे। अभी आप लोगों को यमुना जी दिखाते चल के। वाह भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्या डिज़ाइन बनी हुई है इसके ऊपर। Thank you.
तो अभी भाई ऊपर आ चुके हैं ताजमहल के बिल्कुल पड़ोस में। अब तो भाई यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है ताजमहल अब। जो हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं तो फिलहाल बहुत सुंदर लग रही है बिल्डिंग, ये भी भाई बहुत सुंदर लग रही है बिल्डिंग ये। तो ये दोस्तों जो है मस्जिद है सामने से, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इसके ऊपर जूते पहन के जाना अलाउ नहीं है। ताजमहल का मेन गेट था बिल्कुल उसी की डिजाइन से ये मस्जिद बनी हुई है। भाई दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से ये नज़ारा। ये मस्जिद है भाई, ताजमहल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ यमुना नदी का किनारा, दिखाते हैं चल के यहाँ से। ये जो सामने आप लोग जाल देख रहे हैं इसके उधर यमुना जी हैं। दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल किनारे आ चुके हैं यमुना नदी के, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं अब यमुना नदी यहाँ से कैसी लगती है देखने में। ये देखिए मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी बह रही है बहुत पास में बिल्कुल, और जस्ट आप देख सकते हैं ये एक गार्डन सा बना हुआ है पीछे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये देखिए यमुना नदी, ये देखिए यहाँ से ताजमहल देखिए आप लोग। यमुना नदी में मैंने देखे हैं बहुत बड़ी कछुए हैं, अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये देखिए आप लोग दो दो कछुए हैं यहाँ इस समय। बहुत बड़े बड़े कछुए हैं भाई, कछुए हैं यमुना नदी में भाई, देख सकते हैं आप लोग इतने अच्छे तरीके से तैर रहा है ये कछुआ। यहाँ से अब चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कछुआ है पड़ोस में ही बिल्कुल। आप लोग देखे तो अभी भाई अब ताजमहल के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं हम लोग, जिस गेट से एंट्री हुई थी मेन ताजमहल के उसके बाहर आ गए हैं। तो आज दोस्तों मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन आप लोगों को मैं घुमाना चाहता था, मैं खुद घूमना चाहता था, तो इसीलिए मैं आया हूँ। पहले गया था मथुरा, उसके बाद में अभी आया हुआ मैं ताजमहल आया आज, तो ताजमहल पूरा घूमा हूँ। तो दोस्तों अगर जो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए।
तो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।